determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. Our militaries are working. दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर लगातार खड़े होते सवालों के बीच, धर्म के नाम पर बढ़ती अशांति के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धार्मिक स्वतंत्रता पर अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में एक बेहद जरूरी भाषण देने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि इस भाषण में ट्रंप धर्म के आधार पर लोगों के खिलाफ होने वाले हमलों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ठोस कदम उठाने की अपील करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीशम ने कहा कि 23 सितंबर को ट्रंप ग्लोबल कॉल टू प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे और वहां इस मुद्दे पर भाषण भी देंगे। उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। ग्रीशम ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप धर्म और धर्म से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर लोगों के खिलाफ होने वाले हमलों को रोकने के संबंध में ठोस कदम उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करेंगे।